हाय गाइस। तो देखिए, एक्चुअली क्या है, आज से अपन संविदा शाला शिक्षक की स्टडी चालू करते हैं। तो संविदा शाला शिक्षक में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चालू करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैं बेसिक सिलेबस जो पिछले साल का था, इस बार का सिलेबस तो आया नहीं है, तो अपन पिछले बार के हिसाब से ही तैयारी चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेनली हमको उसका फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर या उसकी प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन देखना है। जैसे केमिकल रिएक्शन में मेनली क्या होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक में क्या होता है, ये बेस के जैसे रिएक्ट करता है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल के जैसे। तो हमको ये देखना है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है जैसे एल्डिहाइड में, कीटोन में, उसकी एडिशन रिएक्शन, ये सब हमको आगे देखना है। तो सबसे पहले तो हम यही देखो, ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नाम से ये स्पष्ट है कि एक तो ऑर्गेनो मतलब वो जो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे CH3 हुआ, C2H5 हुआ, और एक मेटल प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन और मेटल के बिटवीन जो बॉन्ड बने उसके हम उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। तो कार्बन और मेटल के बिटवीन जो बॉन्ड बने वो ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। तो इसकी परिभाषा में हम यही बोल सकते हैं कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें वन और मोर देन वन मेटल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में C2H5MgBr में, C2H5MgBr में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मैग्नीशियम मेटल है वो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ZN जिंक जो है यहाँ पे ईथन के ये दो एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे कार्बन, लिथियम यहाँ पे C2H5 से जुड़ा हुआ है। अब आगे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने ये दो कंपाउंड लिया, एक है कैल्शियम एसीटेट और दूसरा है मैग्नीशियम एसीटेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका यदि हम जनरल स्ट्रक्चर ड्रा करें तो लगता है कि ये डायरेक्ट मैग्नीशियम कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इनका एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो हमको पता चलता है कि मैग्नीशियम पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर कैल्शियम क्या हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं मानते। चलो हम सब अब आते हैं अपने मेन कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड इसलिए बोलते हैं कि उसमें मैग्नीशियम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा कॉमनली रहता ही है। उसका जनरल फार्मूला क्या है, RMgX। तो ये क्या है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हर किसी में रहता ही है, सिर्फ जो हैलाइड हैं ये चेंज होते हैं, कभी क्लोरीन आएगा, कभी ब्रोमीन आएगा, कभी आयोडीन आएगा। तो आपने जनरल यूज़ ब्रोमीन का देखे होंगे कि ब्रोमीन हमेशा यूज़ होती रहता है। बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें फ्लोरीन का यूज़ कभी होता ही नहीं है, मतलब फ्लोरीन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इससे कभी बनाया ही नहीं जाएगा। और जो R है वो एल्किल समूह है, यहाँ पे बहुत सारे एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ सकते हैं, जैसे CH3 हुआ, C2H5 हुआ, एल्किल है, एरिल में जो रिंग वाले आ जाते हैं जैसे बेंजीन हुआ, ये जुड़ जाते हैं। तो इसका सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो जैसे अभी तक हमने सीखा, इसमें क्या सीखा कि मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इसकी जो खोज है वो विक्टर ग्रिग्नार्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो सन 1900 में इनने क्या किया था, इस रिएजेंट की खोज की थी या इसको बनाया था। अब चूंकि ये हाईली रिएक्टिव है अतः इसे ड्राई ईथर में ही रखा जाता है। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, इसे ड्राई ईथर में क्यों रखा जाता है और ये हाईली रिएक्टिव क्यों है। तो हमने इसका जनरल फार्मूला देखे, जनरल फार्मूला में क्या है, RMgX ये देख लिया। अब इसका हम देख लेते हैं फॉर्मेशन या प्रिपरेशन के, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक एल्किल क्या लिया, हैलाइड लिया, क्या लिया, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड लिया, उसे मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंट में रिएक्शन कर दिए, तो हमारा RMgX बन गया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ड्राई ईथर इसलिए कॉज इसमें
यदि थोड़ी सी भी नमी रहती, मान लो इसमें थोड़ा सा एल्कोहल रहता या पानी की प्रेजेंस रहती, तो ये नाइट्रोजन बनता ही नहीं, वो उन्हीं से रिएक्शन पहले कर लेता और कुछ और बना लेता। जैसे कि आपने देखा कि यदि इसमें वाटर रहता तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है H2O से रिएक्शन कर लेता, तो यहाँ पे क्या है Mg और R से रिएक्शन करके ये क्या बना लेता, कंपाउंड बन लेता RH या CH3। जैसे R बराबर R यहाँ पे यदि CH3 रहता तो CH3H एक मेथेन बना लेता और ये मैग्नीशियम अलग हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार यदि यहाँ पे एल्कोहल रहता तो ये इस टाइप का कंपाउंड बना लेता। तो हम इसे आगे और डिस्कस करेंगे, ये रिएक्शन में हम इसको पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों करता है और इतना हाईली रिएक्टिव क्यों होता है। तो हाईली रिएक्टिव को जानने से पहले हमको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही देखना पड़ेगा, तो पूरी कहानी इसके स्ट्रक्चर में छुपी हुई है कि ये इतना हाईली रिएक्टिव क्यों है। देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखे हैं कि आर एम जी एक्स ये कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि एक कार्बनिक कंपाउंड और मेटल के बिटवीन बंधा हुआ बॉन्ड बना हुआ है, तो इसे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन, कार्बन जैसे रहते हैं जो एरिल एल्किल रहते हैं, तो उसको अपन ऑर्गेनो कंपाउंड बोलते हैं, और जो मेटल है वो ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ये एक तरह का क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट या सहसहयोजी बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ठीक है, और एम जी एक्स, चूँकि यहाँ पे एम जी एक्स में एम जी मेटल और एक्स हैलाइड के बीच में भी एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको पता होगा कि हैलाइड जनरली किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कम्प्लीटली इसको डोनेट कर देते हैं, तो एक्स माइनस और एम जी प्लस बनाते हैं। तो इसको, इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यदि कोई रिएक्शन हो और आर एम जी एक्स से आर अलग हो जाए, मतलब जनरली आर अलग होता ही है, जैसे CH3- और एम जी प्लस एक्स, तो जो आर अलग होता है ये बेसिकली यही अदर ग्रुप का अटैक करके बहुत सारी रिएक्शन करता है। तो ये मेनली क्या होता है, एक बेसिक रिएक्शन करता है बेस से और दूसरी बनाता है न्यूक्लियोफाइल। एक अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल और एक अच्छा बेस होता है, तो ये दो टाइप की रिएक्शन करता है। ठीक है, तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे एक हमने एक लिए हैं कि मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका एग्जाम्पल है आर बराबर ओपन के लिए यहाँ पे मैथिल ग्रुप। तो यहाँ पे ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जो ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है, एम जी बी आर के बीच में क्या है, एक आयोनिक बॉन्ड है। इसके एग्जांपल है ये एल्किल, एल्किल हैलाइड का एग्जांपल। यदि हम एरिल हैलाइड का एग्जांपल लें तो क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक्चुअली ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जब एक सब्सटीट्यूट की भांति हो या इसमें कोई अदर ग्रुप जुड़े रहें, तो ये जो रिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल रिंग। फेनॉल नहीं बोलते, फेनिल रिंग बोलते हैं, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इनकी क्रियाशीलता का अपन क्या देख लेते हैं, क्रम देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजन की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन या प्रिपरेशन की क्रियाशीलता, या सबसे पहले कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आसानी से बना लेगा। तो सबसे पहले आयोडीन बनाएगा, फिर ब्रोमीन और क्लोरीन, जो एफ है वो नहीं बनाता, हमने पहले भी देख चुके हैं। तो ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम हो गया, ये आ सकता है आप इनको देख के रखें। ठीक है, तो एक बार और देख लें हम कि इनकी इनकी मोस्टली जो रिएक्टिव है वो इतना हाईली रिएक्टिव होने के कारण क्या है, ये वाला बॉन्ड है आर एम जी एफ। ये इसको जनरली हम देखें तो आर एम जी एक्स, चूँकि क्या है, यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और इनके और इसके दोनों की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो ये क्या है, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव जो चार्ज हैं वो कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, हाँ पर इनका अस्तित्व तो है ही। तो क्या हो जाता है, इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कम्प्लीटली इसके तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। इनके तरफ शिफ्ट होने से क्या होता है, ये बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ जाती है और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो मैन इस तरह के, यदि हम इसको चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी जब जब इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में काफ़ी डिफरेंस है तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। तो पोलरिटी के आने के कारण क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये कोई
कोई अदर ग्रुप के पास आने से या किसी अदर ग्रुप से रिएक्शन करने के लिए आसानी से टूट सकता है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव है। इसलिए इसे हम ड्राई ईथर में रखते हैं। तो ड्राई ईथर में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ड्राई ईथर में रखने से स्टेबल हो जाता है। तो जैसे आगे आप देख सकते हैं कि वो स्टेबल कैसे होता है, ठीक है। तो ड्राई ईथर में रखने के हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईथरा क्रिस्टलाइजेशन। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ड्राई ईथर में क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम, ये क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जो ईथर ड्राई ईथर में मेनली हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम, ग्रिग्नार्ड और जो ईथर है वो दोनों साइड से इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैच करके एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये मैग्नीशियम से बॉन्ड बना लेते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, और जिस टाइप का जो बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, यहाँ पे एक लोन पेयर था जिसको उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, C2H5, ये इधर है, ऐसे ही एक इधर रहेगा O C2H5। तो ये एक तरीके से पूरा इतना ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, जिसको आप बोलते हो ड्राई ईथर के प्रेजेंट में आर एम जी एक्स, ये है ड्राई ईथर के प्रेजेंट में आर एम जी एक्स, इस तरीके से होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेशन से इसके पास अभी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, इस प्रकार ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, इस प्रकार इसका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब आपको पता है कि जब भी किसी कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। तो ड्राई ईथर इसे स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसलिए इसे क्या हो जाता है, ड्राई ईथर में ही रखा जाता है। जनरली हम इसको लैब में यूज़ करते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंट में ही इसकी और रिएक्शन होती हैं, और इसे अपन यूज़ करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसे हम RMGX या फिर हम इसे सिंपल फॉर्म में कभी यूज़ ही नहीं कर पाते, इसलिए हम उसी फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे ड्राई ईथर में रखा जाता है। तो ये अपना कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो RMGS क्या है, एक हाईली रिएक्टिव है, स्टेबल इन ड्राई ईथर, अर्थात स्टोर उसे ड्राई ईथर में किया जाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल पॉइंट है, उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। अभी जो समझे हैं कि ईथर के पास, ईथर के ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 लोन पेयर डोनेट करके MG के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सेम अदर ईथर का ऑक्सीजन भी करेगा, ठीक है, सेम अदर ऑक्सीजन का, ठीक है। इधर के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अपने एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसका ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे और एक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। चूँकि MG के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा करता है, इसलिए क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि लैब में इसका यूज़ क्या करते हैं, ईथर के सॉल्यूशन के साथ ही करते हैं, कौन सी हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अब RMGX की यदि आपसे प्रॉपर्टी पूछा जाए तो आप बताना है कि ये रंगीन होता है और आवाज़ फजील होता है, मतलब कलरलेस होता है और आवाज़ फजील होता है, ठीक है। मेनली ये बहुत सारी रिएक्शन देता है, जैसे डबल डिकम्पोजिशन, मतलब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है एल्किल हैलाइड के साथ, एसिल हैलाइड के साथ, ये रिएक्शन अभी अपन आगे देखेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ऑक्सीजन सल्फर CO2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन देता है। तो मेनली ये रिएक्शन पता 2 टाइप से देता है, एक देता है न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करके और दूसरा बेस के जैसे एक्ट करके। तो जो RMGX है, ये इसमें जो R है वो क्या है, R क्या है, वेरी गुड बेस है, और साथ ही R क्या है, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इसकी